हेलो। देखिए, आपका ये सूचना भी दे दी जाए, जो लोग भी आपका लाइव क्लास ले लिए हो, रहने दीजिए, यहीं बैठ जाइए, पढ़ लीजिए, क्या करना है, इधर। जो लोग लाइव क्लास पढ़ रहे हैं उनके लिए भाई सूचना भी दे दी जाए कि जुरिस्प्रूडेंस के बाद आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया जाएगा, ताकि जो यूपीजे का मामला है, जब आ जाए वैकेंसी, आपका संभावना है जल्दी ही आने की, तो ऐसी दशा में जुरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपका तैयार रहेगा, तो 30-35 क्वेश्चन प्री में आ जाएंगे। ये बता दिया जाए कि ये दोनों सब्जेक्ट मेंस में नहीं है यूपीजे के, केवल प्री में है, लेकिन नेट में, जेआरएफ में, आईएएस में कुछ पूछा जाता है, पीसीएस में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो आइए, हम जुरिस्प्रूडेंस देख रहे थे और जुरिस्प्रूडेंस में सोर्सेज ऑफ लॉ चल रहा था, विधि का स्रोत पढ़ाया जा रहा था, विधि के स्रोतों का हमने बंटवारा किया और बंटवारा करके हमने मेन सोर्सेज यानी कि प्रमुख स्रोत बताया था, जिसमें तीन स्रोत हैं प्रमुख, प्रथा यानी कि कस्टम, दूसरा आपका जुडिशियल प्रेसिडेंट यानी कि न्यायिक पूर्ण निर्णय, और तीसरा लेजिस्लेशन यानी कि विधायन। इसी में हम एक शुरू किए थे, कस्टम या प्रथा। प्रथा के बारे में जो जो परिभाषाएं थी, कौन परिभाषा आ चुकी थी, आ चुकी हैं, कौन नेट में आई थी, कौन एलएलएम में आई थी और कौन जे में आई थी, ये हम बता चुके हैं। अब हमें एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कस्टम देखना है, यानी कि प्रथा के आवश्यक तत्व। यहाँ से भी क्वेश्चन जे ने बना रखा है, प्रथा के कौन आवश्यक तत्व हैं और कौन नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। अर्थात एसेंशियल एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि किसी प्रथा को कब ला माना जाएगा, अर्थात किसी प्रथा को कब कानून माना जाएगा। तो आपका आवश्यक तत्व में पहला आवश्यक तत्व है प्राचीनता, एंशियंट होना, प्राचीन होना। प्रमाण्य प्रथा या रूढ़ के लिए पहला तत्व बताया जा रहा है, 9-10 तत्व बताया जाएगा और उसमें क्वेश्चन का मॉडल हम लास्ट में बताएंगे, लेकिन पहले एक एक करके चला जाए। मान्य प्रथा के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रथा एंशियंट या प्राचीन होनी चाहिए। अब यानी कि प्राचीन काल से वह कस्टम या यूजेज चला आ रहा हो, जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड में एक डेट निर्धारित की गई है, 1189, यानी कि इंग्लैंड में मान्य प्रथा के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रथा कब के पूर्व से चली आ रही हो, 1189। 1189 रिचर्ड फर्स्ट के राज्यारोहण का काल था, यानी कि इंग्लैंड के सम्राट रिचर्ड फर्स्ट के राज्यारोहण, यानी कि जब वह राजा बना तो उसका प्रथम साल था 1189, याद रखिए। ये तो इंग्लैंड का रहा, लेकिन भारत में आ जाइए, जहाँ तक ये क्वेश्चन आ चुका है, जहाँ तक भारत की बात है, किसी प्रथा को ला मानने के लिए प्राचीनता तो आवश्यक है, लेकिन भारत में कोई टाइम निर्धारित नहीं है। फिर एक बार देखिए, इंग्लैंड में है टाइम कब, 1189 के पहले, लेकिन भारत में प्राचीन हो, लेकिन कोई समय निर्धारित नहीं है। ये एक केस आया और उस केस पर आधारित है, केस आपका याद करिए, गोकुल चंद्र बनाम परवीन कुमारी।
गोकुल चंद्रवर्ष परवीन कुमारी के वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि भारत में प्रमाण्य प्रथा के लिए आपका प्राचीन होना आवश्यक है, लेकिन कितने दिनों से वह चली आ रही हो, कोई भारत में टाइम निर्धारित नहीं है। दूसरा देखिए आपका आवश्यकता निश्चितता, यानी कि सर्टेंटी, निश्चितता। प्रथा के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रथा सर्टेन हो, निश्चित हो। अगर प्रथा अनिश्चित है तो वह विधि का बल प्राप्त नहीं करेगी। इसमें जो आपको पढ़ना रहता है, एक केस इसमें भी पढ़ना पड़ता है और पेड़ की छाया वाला केस कहा जाता है। याद रखिएगा, निश्चितता में यानी कि गुरु स्वामी राजा वर्सेज पीरूमल, फिर एक बार देखिए, गुरु स्वामी राजा वर्सेज पीरूमल के वाद में भारत के वाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने पेड़ की छाया का विवाद था और कहा गया कि ये प्रथा है, लेकिन न्यायालय ने ये कहा कि पेड़ की छाया निश्चित नहीं है, क्योंकि अगर सूर्य पूरब से निकलेगा तो कहाँ जाएगी, पश्चिम, और बीच में आएगा तो वहीं रह जाएगी, और पश्चिम जाएगा, सूरज पश्चिम जाएगा तो छाया कहाँ जाएगी, पूरब, तो क्या निश्चित है ये प्रथा, नहीं तो क्या पेड़ की छाया, तो पेड़ की छाया वाला केस कौन सा है, याद रखना है पीरूमल, पीरूमल। दूसरा देखिए, तीसरा, वह प्रथा अनैतिक न हो, यानी कि वह जो कस्टम है इमोरल न हो। देखिए आपका अनैतिक, ध्यान से समझिए, आपका जो कस्टम होना चाहिए वह इमोरल ना हो। ये भी, ये आपका तीसरा पॉइंट चल रहा है, एक एक पॉइंट याद रखिएगा। अब कौन सा कार्य अनैतिक है और कौन सा कार्य नैतिक है, इसका निर्धारण समाज की दृष्टि से किया जाता है। समाज नैतिकता का जो पैमाना है, मोरालिटी का पैमाना है, वह समय दर समय, स्थान दर स्थान, देश दर देश बदलता रहता है। जैसे कि कुछ समय पहले तक भारत में किसी पुरुष और स्त्री का बिना विवाह किए हुए एक साथ रहना अनैतिक माना जाता था, और लेकिन विदेशों में इसे क्या माना जाता था, नैतिक। जैसे एडल्ट्री या जार कर्म का अपराध है, भारत में इसे अनैतिक माना जाता था, लेकिन तमाम देशों में इसे बुरा नहीं माना जाता है। अब तो हट भी गया, अब तो आपका अवैध भी हो गया 497 IPC। तो नैतिक जो कार्य नैतिक है, यानी कि इसका मतलब प्रथा नैतिक होनी चाहिए, अनैतिक नहीं। तमाम अनैतिक प्रथाओं को कानून द्वारा रोक दिया गया, तो अनैतिक प्रथा आपका तीन चार तो कम से कम उदाहरण भारत में बताया जाए, देवदासी प्रथा थी, विधवा विवाह न होना प्रथा थी, विधवाओं का मुंडन करा के बनारस में भेजने की प्रथा थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, नियोग प्रथा थी, तमाम ये जो बधुआ मजदूरी थी, दास प्रथा थी, तमाम प्रथाएं ये एक समय नैतिक थी, लेकिन आज समाज इसे क्या मानता है, गलत, यानी कि प्रथा को अनैतिक नहीं होना चाहिए। ये तीसरा आवश्यक तत्व है। चौथा देखिए, प्रथा युक्त युक्त होनी चाहिए,
रीजनेबल होनी चाहिए। रीजनेबल का मतलब ये हुआ कि तर्क के आधार पर समाज के लोग उस कस्टम या यूजेज को सही मानते हों। यानी कि अगर एक कॉमन मैन से, सामान्य आदमी से पूछा जाए कि बताओ क्या यह कार्य करना सही माना जाएगा, तो वह व्यक्ति ये कहे कि हाँ यह कार्य करना सही है, तो हम कहेंगे उचित है कि नहीं, तो हम कहेंगे कि वह जो प्रथा है रीजनेबल है, युक्ति युक्त है। अगला देखिए, शांतिपूर्ण उपभोग, पीसफुल आपका इन्जॉयमेंट। शांतिपूर्ण उपभोग का मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रथा है, समाज उसको मान रहा है, तो उस प्रथा का पालन शांतिपूर्वक होना चाहिए, मार काट करके, या कह सकते हैं कि मार काट के नहीं, यानी कि किसी की इच्छा को दबा के और झगड़ा करके प्रथा का पालन नहीं करवाया जाना चाहिए। बल्कि कैसे लोग प्रथा का पालन करें, आपका कह सकते हैं कि शांतिपूर्वक। अगला देखिए, निरंतरता। निरंतरता है आपका छठवां, यानी कि अनवरतता। इसका मतलब ये हुआ कंटिन्यूटी। जैसे आपके भी बारे में कहा जाता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं और आपका अगर आप पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूइंग पढ़िए, लगातार पढ़िए, अनवरत पढ़िए, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो 2-3 माह बंद कर दीजिए पढ़ाई। लेकिन ये नहीं कि 10 दिन पढ़ेंगे और 10 दिन हरी मचाएंगे, ये काम कभी भी आपका सफल नहीं बना सकता। तो हमारा सिद्धांत है कि पढ़ना हो तो पढ़िए लगातार, न पढ़ना हो तो काम ही निपटा लीजिए, नहीं तो न 3 में रहेंगे न 13 में रहेंगे, यानी कि त्रिशंकु जैसे क्या किए रहेंगे, लटके रहेंगे। तो आइए अनवरतता पर कुछ बता दिया जाए। आईपीसी में आपका क्वेश्चन ये बनता है और सीआरपीसी में भी बनता है, अनवरत ऑफेंस या कंटिन्यूइंग ऑफेंस कौन है। तो जो आपका अपहरण है यानी कि एबडक्शन है, वह कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। आपका और भी अपराध हैं जो लगातार क्या करते हैं, चलते रहते हैं आपका। और इसमें देखिए, अगर प्रथा एक बार प्रारंभ हो गई तो बीच में उस प्रथा में ब्रेक नहीं होना चाहिए, वह लगातार समाज उस प्रथा का क्या करे, पालन। लेकिन भी लगाना है, यदि प्राकृतिक घटनाओं के कारण यानी कि नेचुरल फोर्स के कारण, एक्ट ऑफ गॉड के कारण, विश मेजर के कारण यानी कि दैव कृत के कारण उस प्रथा में रोक लगी है, तो वह रोक आपका वैध मानी जाएगी और प्रथा ये माना जाएगा कि निरंतर चल रही थी। इस पर एक केस आता है, मछली का जाल सुखाने वाला केस, याद रखिए, उपनाम भी मछली का जाल सुखाने वाला केस। मर्सर वर्सेज डेंडे का केस है। देखिए, मर्सर मर्सर वर्सेज डेंडे का केस है, डेंडे उपनाम भी याद रखिएगा। देखिए इसमें हुआ क्या, जाल नदी के किनारे मछुआरे जाल सुखा रहे थे, एक बार बाढ़ आई और बाढ़ के कारण 6 माह तक उस स्थान पर पानी भरा रहा और प्रथा रुक गई। तो आप लोग बताइए कि क्या व्यक्ति ने रोक दी प्रथा कि प्रकृति ने रोक दी। तो ये रोक आपका मैंने कह सकते हैं कि प्रथा ये माना जाएगा कि निरंतर चल रही थी, क्योंकि मानव ने नहीं रोका, किसने रोका,
प्रकृति ने, जैसे कि आपका ट्रेन चल रही थी, बस चल रहे थे, कोचिंग चल रही थी, लेकिन ऐसे ही महामारी आई कि सब कुछ क्या किया, महामारी ने रोक दिया, यानी कि प्रकृति के आगे मानव का बस नहीं चलता। ये सही बात है, लाख मानव अपने को बुद्धिमान माने, लेकिन प्रकृति अगर धोखा दे दी तो मानव ध्वस्त हो जाता है। तो आगे चला जाए, इसके बाद आपका अगला सातवां है आवश्यक तत्व, सुसंगतता। सुसंगतता मतलब यानी कि पारस्परिक संगतता, म्यूचुअल कंसिस्टेंसी इसको कहते हैं, पारस्परिक आपका सुसंगतता। इसको देखिए, पारस्परिक सुसंगतता या रेलेवेंसी का मतलब ये हुआ कि जब आपका प्रथा चल रही है तो दो प्रथाएं ऐसी नहीं होनी चाहिए जो 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 एक दूसरे के विरोध में हो। यानी कि दो प्रथाएं अगर पैरल चल रही हैं, समानांतर चल रही हैं, तो वह एक दूसरे के विरोधी नहीं होनी चाहिए। अगर विरोधी हैं तो वह मान्य होगी कि नहीं, मान्य नहीं होगी। अगला देखिए आपका, अगला है परिनियमित विधि के विरोध में न होना, यानी कि संविधि के विरोध में न होना, या एक्ट या कोड या कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में न होना। इसका ये जो पॉइंट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं बता दूं। परिनियमित विधि अर्थात इसका मतलब ये हुआ, अच्छे से इसको जानिए, अगर कोई कस्टम या यूजेज हैं और वह कस्टम या यूजेज चल रहा है और कानून बनाकर या संविधान बनाकर, कोड बनाकर, एक्ट बनाकर उस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो वह प्रथा अब विधि मानी जाएगी कि नहीं, नहीं मानी जाएगी। तो चार यहाँ उदाहरण ज़्यादा आपको मिलेंगे और हम पाँच छः उदाहरण देंगे, लेकिन उदाहरणों की यहाँ भरमार है। सती प्रथा हुआ, कानून बनाकर रोक दिया गया, विधवा विवाह नहीं हो रहा था वो आपका मान किया गया, बाल विवाह को रोका गया जो प्रथा थी, आपका मैला उठाने की प्रथा, आपका दास की प्रथा, बेगारी की प्रथा, आपका तमाम प्रथाओं को हमारे ट्रिपल तलाक की प्रथा हो गई, ट्रिपल तलाक, महिलाओं को मंदिर में न जाने की प्रथा, कुछ मंदिरों में ये सब क्या किए गए, सब कानून बनाकर प्रतिबंधित कर दिए गए। तो ऐसी दशा में अब ये प्रथा विधि नहीं मानी जाएगी और संविधान का आर्टिकल 13 यानी कि 13(3) का क्लाज ए भी देखना है, कौन सा 13(3) का क्लाज ए भी गौर करना है। स्पष्ट बताता है कि विधि में, ला में कस्टम और यूजेज भी हैं। इसका मतलब समझिए, अगर कोई प्रथा हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं तो वह प्रथा उस मात्रा तक क्या होगी, वाइड। अब टकराव कहाँ होता है, कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक दिया गया है, यही टकराव हमेशा हो रहा है। आपका धार्मिक आधार पर ये हमारा धर्म का आवश्यक अंग है, अतः ये प्रथा मान्य है। तो उसमें टेक्निकल पॉइंट बस जान लीजिए, अगर वह कस्टम धर्म का, रिलीजियस का एसेंशियल एलिमेंट है, आवश्यक अंग है, तब तो भाई वह प्रथा मान्य होगी, और आवश्यक अंग नहीं है तो वह प्रथा मान्य नहीं होगी। अब इसका निर्धारण हम आप नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करेगा। दो तीन उदाहरण देखिए, जैसे लाउडस्पीकर से अजान, ये धर्म का आवश्यक अंग नहीं है, रोक लगाई जा सकती है। दूसरा, कहीं भी नमाज करना, ये भी नहीं है।
नमाज करना है लेकिन कहीं नहीं। तीसरा आपका मस्जिद का किसी पर्टिकुलर स्थान पर होना, ये भी धर्म का आवश्यक अंग नहीं है। ट्रिपल तलाक हो गया, ये भी मुस्लिम धर्म का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। तो नहीं है तो भाई आपका अवैध। अगर सुप्रीम कोर्ट मान लेता कि है तो ये आपका प्रथाएं क्या होती, वैध। एसेंशियल पार्ट, इसी पर सब कुछ भारत में चल रहा है कि नहीं। अगला देखिए आपका, कह सकते हैं कि इस पर केस भी एक दो हैं, देख लिया जाए। दशरथ रामा राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, दशरथ रामा राव वर्सेज आंध्र प्रदेश राज्य। स्पष्ट बताया गया कि यदि कोई कस्टम या यूजेज हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो वह उस मात्रा तक वाइड होगा। अगला आवश्यक तत्व देखा जाए आपका, मैंने अगला आपका नौवां आवश्यक तत्व है, वह ये है कि वह जो कस्टम या यूजेज होना चाहिए वह पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट न हो, यानी कि प्रथा या रूढ़ लोक नीति के विरोध में नहीं होनी चाहिए, याद रखिए। अब इस पर भी आपका यूपीजे में क्वेश्चन बना रखा है, मेंस में भी क्वेश्चन बन रहा है पब्लिक पॉलिसी पर। पहले पब्लिक पॉलिसी समझिए, इसको कॉन्ट्रैक्ट से जोड़िए, शैतान घोड़ा जानिए अनकंट्रोल हार्स, और इस शैतान घोड़े को कंट्रोल कराइए। तो यहाँ से निश्चित क्वेश्चन बनता है, जो लोग आपका लाइव क्लास पढ़ रहे हैं उनको भी सलाह दी जाती है, एक एक छोटी छोटी बातों पर गौर करिए। और इतिहास रहा है मनोज सर का कि 90% जो क्वेश्चन हैं इन्हीं बातों से आते हैं, वह पोथी पतरा अंत में काम नहीं करेगा, अंत में जो दिमाग में बैठा रहेगा वही काम करेगा। और जब लोग चारों तरफ से थक हार जाते हैं, कहीं आश्रय नहीं मिलता, तब यहाँ आते हैं मनोज सर के पास, यानी कि दिल्ली से दौलताबाद दौड़कर मुन्ना भाई थक गया, मुन्ना LLB, तो कहाँ आ गया, मनोज सर के पास। तो भाई आपका फिर एक बार बताया जाए, पब्लिक पॉलिसी लोक नीति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। लोक नीति का मतलब होता है ऐसी योजना, ऐसी पॉलिसी जो जनता के भलाई के लिए हो। देखिए पब्लिक पॉलिसी बताया जा रहा था, पब्लिक पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि स्टेट या राज्य की भलाई की नीति नहीं, बल्कि आपका जनता की भलाई की नीति, यानी कि किस पॉलिसी में, किस कार्य में जनता की भलाई छुपी है उसको हम पब्लिक पॉलिसी के फेवर में कार्य कहेंगे, और जिसमें जनता की बुराई छुपी हो उसको हम क्या कहेंगे, अगेंस्ट में। तो जो प्रथा हो वह पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। अब पब्लिक पॉलिसी की तुलना अब आइए कॉन्ट्रैक्ट में देखा जाए। कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 23 में अनलॉफुल आपका कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट दिया गया है, यानी कि आपका विधि विरुद्ध उद्देश्य और प्रतिफल। उसमें ही लास्ट में ये कहा गया है कि अगर किसी एग्रीमेंट का एम और कंडीशन न्यायालय की राय में पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं तो वह एग्रीमेंट अवैध होगा, वाइड होगा, यानी कि पहले इलीगल होगा और इलीगल के बाद वह शून्य होगा, अवैध के बाद क्या होगा, शून्य।
लोक नीति क्या है, तो चूंकि लोक नीति कौन सी कौन सा नीतियाँ जनता के फेवर में है कौन विरोध में है ये डिसाइड नहीं है, अतः रिचर्डसन बनाम मेलिस, ये के जरूर याद रखिए, रिचर्डसन वर्सेज मेलिस के बाद में जस्टिस बौरो ने, बौरो 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 याद रखिएगा, कौन जस्टिस बौरो ने पब्लिक पॉलिसी की तुलना अनकंट्रोल हार्स से की, इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा, हिंदी में बदमाश घोड़ा तो कभी शैतान घोड़ा तो कभी अनियंत्रित घोड़ा पूछ रहा है तो कभी बेकाबू घोड़ा, लेकिन इंग्लिश वर्जन क्या देगा, अनकंट्रोल हार्स। लेकिन लॉर्ड डेनिंग का भी याद रखिए, लॉर्ड डेनिंग का भी कोटेशन हमें याद रखना है, लॉर्ड डेनिंग ने ये कहा कि अगर अच्छा सवार हो अच्छा न्यायाधीश हो तो इस अनियंत्रित घोड़े को क्या कर सकता है, कंट्रोल। तो ये AU LLM प्रवेश परीक्षा में लॉर्ड डेनिंग का कोटेशन आया था, ये कि घोड़े को कंट्रोल जैसे ही आए लॉर्ड डेनिंग मारिएगा। अगला ये देखा जाए, लास्ट आवश्यकता, बाध्यकारी बल, यानी कि बाध्यकारी बल का मतलब ये हुआ कि समाज के लोगों द्वारा उस प्रथा का पालन बाध्यकारी रूप से किया जाना चाहिए, ऐच्छिक न हो, यानि कि वह अपना कर्तव्य समझकर उसका पालन करें, इच्छा पर नहीं कि हम चाहें तो करें चाहें तो ना, इसी को हम क्या कहते हैं, बाध्यकारी बल। ये अगर आवश्यक तत्व हैं तो वह प्रथा विधि का दर्जा पाएगी और विधि मानी जाएगी। ये इस प्रकार आवश्यक तत्व समाप्त हुआ। लास्ट में आपका जो हमें बताना है वह आपका प्रथा कब विधि बन जाती है, इस विषय में अब स्कूल हम पढ़ा चुके हैं, दो स्कूलों को कवर करिए, यानी कि दो स्कूल यहाँ या विचारधारा कवर करनी है, ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपका ऐतिहासिक विचारधारा हिस्टोरिकल स्कूल और दूसरा विश्लेषणात्मक स्कूल। ऐतिहासिक विचारधारा के विद्वान ये मानते हैं कि जो प्रथा और रूढ़ हैं वह स्वतः विधि हैं, यानी कि प्रथा और रूढ़ तो अपने आप विधि हैं, यानी कि कौन सी विचारधारा प्रथा रूढ़ को विधि मानती है, कौन सी, ऐतिहासिक। लेकिन एनालिटिकल कहते हैं कि प्रथा और रूढ़ियाँ विधि नहीं होती, यह विधि तभी मानी जाएगी जब संप्रभु ने इसको विधि के रूप में घोषणा की हो या किसी न्यायालय द्वारा इसे कानून के रूप में क्या कर दिया गया हो, मान्यता। तो कौन सी विचारधारा कहती हैं कि रूढ़ियाँ या प्रथाएं तभी कानून होती हैं, या तो सावरेन इच्छा प्रकट करे कि ये कानून है, या न्यायालय कम से कम एक फैसले में उस रूढ़ को क्या करे, मान्यता दे। कौन सी विचारधारा, एनालिटिकल। इस प्रकार आपका ये जो प्रावधान था समाप्त हुआ, यानी कि प्रथा का चैप्टर समाप्त हो गया। कल आपका लेजिस्लेशन का चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक लेक्चर का है ही, तो कल आपका और क्लास कल चलेगा, नया चैप्टर ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर एक बार लास्ट में सूचना दी जाए, जुरिस्प्रूडेंस के बाद आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्लास चलाया जाएगा, एक हफ्ता और लग सकता है अधिकतम, क्योंकि अब लास्ट स्टेज पर हैं हम, एक एक चैप्टर एक या दो दिन में हम पढ़ा देंगे। धन्यवाद।